Assalamu alaikum, students. Welcome in the class of Fundamental Physical Chemistry so we are studying quantum mechanics and today in quantum mechanics the topic of discussion is important terms and mathematical relationships to schrodinger uh, wave equation so you can uh, pronounce it as schrodinger this is english version or uh, you can uh, pronounce it as schrodinger as well right okay सो द फुल नेम ऑफ दाइंटिस्ट हुन दिस इक्वेजन इज़ अरविन श्रोडिंगर अच्छा ये वाले जो मैथमेटिकल टर्म्स हैं और रिलेशनशिप्स हैं विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, दिस आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ये बहुत इंटरेस्टिंग हैं ठीक है और ये श्रोडिंगर वेव इक्वेजन को समझने के लिए बेसिकली ये बहुत ज़रूरी हैं कि हम पहले उसमें जो डिफरेंट टर्म्स जो जो यूज़ हुई हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने के लिए तो हमें पता हो कि इलेक्ट्रॉनिक वेव जो है uh, जिसको हम कंसिडर करेंगे वो किस तरह की है और फिर uh, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए जो डिफरेंट मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स यूज़ हुए हैं सो यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट दीज रिलेशनशिप्स सो वी शैल कंटिन्यू ओके okay. uh, अच्छा इसके लिए क्या है क्वांटिटी क्या, क्या होती है एनी एनी थिंग डेट कैन बी मेयर्ड और काउंटेड इज कॉल्ड अ क्वांटिटी तो कोई भी चीज़ जिसको हम मेयर कर सकते हैं या काउंट कर सकते हैं तो उसको हम क्वांटिटी कहते हैं और उसकी एग्जांपल्स में आ जाएगा फॉर एग्जांपल लेंथ वॉल्यूम मास टाइम एज फोर्स पॉपुलेशन सो ऑल ऑल दीज आर थिंग्स Uh, which we can measure and we, we will be having different units for example length kilometer centimeter volume kilometer cube mass ke liye kg uh, or uh, likewise population ke liye number of people so these are the units used and all these uh, quantities either we can uh, measure it or we can count it to okay? so, this this quantity uh, variable and constant a quantity whose value uh, changes during a particular discussion is known as a variable एंड अ क्वान्टिटी विच रिटेन्स द सेम वैल्यू थ्रू आउट डिस्कशन दिस इज कॉल्ड अ कॉन्सटेंट ठीक है अब जो क्वान्टिटीज़ हैं वो दो तरह की होती है एक होती है वेरिएबल वेरिएबल का लफ्जी मतलब है तब्दील होने वाली और कॉन्सटेंट का मतलब है कि मुस्तकिल रहने वाली ठीक है तो अब वो वाली क्वान्टिटी जो कि किसी डिस्कशन के दौरान चेंज होती है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं और वो क्वांटिटी जो पर्टिकुलर डिस्कशन के दरमियान कांस्टेंट रहती है यानी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती तो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ अ गैस एट सर्टेन टेम्परेचर चेंजेस एज वी चेंज द अप्लाइड प्रेशर ठीक है तो uh, यानी हमारे पास दो क्वांटिटीज है यहाँ पे एक है वॉल्यूम और एक है टेम्परेचर ठीक है तो uh, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम uh, uh, जो है एक खास टेम्परेचर पे चेंज हो जाता है और जब हम प्रेशर को चेंज करते हैं इसका मतलब कि यहाँ पर आप देखिए तीन क्वांटिटीज हैं राइट एक है वॉल्यूम एक है टेम्परेचर और एक है प्रेशर अब हमने कहा कि प्रेशर को चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होता है और टेम्परेचर जो है हम उसको मेंटेन रख लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीन क्वांटिटीज में प्रेशर में भी चेंज आ रहा है और वॉल्यूम में भी चेंज आ रहा है सो पी एंड वी दीज आर वेरिएबल्स जबकि टेम्परेचर जो है वो एक कांस्टेंट होगा अच्छा द टेंपरेचर टी ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इन केस ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल रिमेंस कांस्टेंट इट डज नॉट वैरी विद टाइम बट कीप्स कांस्टेंट एट 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड हेंस टी इज अ कांस्टेंट व्हाइल कैपिटल टी इज अ कांस्टेंट व्हाइल स्मॉल टी इज अ वेरिएबल अब जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है उसका टेंपरेचर जो है uh, वो होता है 36. नाइन डिग्री सेंटीग्रेड और आ, मतलब हेल्दी इन्वायरमेंट में अगर एक पर्सन हेल्दी है तो उसका ये वाला टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है आ, ठीक है थ्रू आउट द टाइम ठीक मतलब आप जैसे आज ट्वेंटी थर्ड दिसंबर है आपने अपना बॉडी टेम्परेचर चेक किया थर्टी सिक्स पॉइंट नाइन डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट होगा ठीक है और फिर आप फॉर एग्जाम्पल आफ्टर सेवन डेज इफ यू रिमेन हेल्दी और आपका टेम्परेचर जो है इसी इसी रेंज में इसी इसी फिगर के राउंड अबाउट होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला टेम्परेचर जो है ये नॉर्मल है जबकि जो कांस्टेंट है तो इसलिए जो कैपिटल टी है वो एक कांस्टेंट होगा विच इंडिकेट्स टेम्परेचर जबकि स्मॉल टी जो है वो इस ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करता है ठीक uh, है uh, जो कि चेंज हो रहा है यानी फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने इस एग्जांपल में कहा कि आपने ट्वेंटी थर्ड दिसंबर को अपना टेम्परेचर चेक किया एंड इट कम्स अबाउट टू वी नाइन डिग्री सेंटीग्रेड और अगर आप थर्टी दिसंबर को भी चेक करेंगे तो वो भी इसी के राउंड अबाउट होगा ठीक है तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट रही लेकिन ये टाइम जो है वो चेंज हो गया यानी पहले ट्वेंटी दिसंबर था और अब जो है वो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि आपने थर्टी दिसंबर को चेक किया सो दिस इज अ वेरिएबल

इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो इंडिपेंडेंटली चेंज होता है और उसके चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में चेंज आती है उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है द वेरिएबल ठीक है? है है, तो तो ये dependent variable वो होता है जो change तो होता जो लेकिन उसमें आती है दूसरे factor के change होने की वजह से। तो यानी उसकी वैल्यू एक दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रही होती है और उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल अब यहाँ पर बहुत अच्छी एग्जाम्पल कोट की गई है एरिया ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू तो पाई पाई आर तो ये एरिये, एरिये का फॉर्मूला है राइट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया तो अब इसमें क्या है कि हमारे पास ये देखें ए इज इक्वल टू पाई आर स्केयर ठीक है ए इज द एरिया पाई इज अ अंस्टेंट ठीक है पाई की वैल्यू तो हमेशा कॉन्स्टेंट रहनी है तो इसको तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे और दूसरा इसमें है आर स्केयर ठीक है रेडियस इज यानी अब हमने ये देखना है कि किसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है देखिए जब हम आर को चेंज करेंगे ना रेडियस को तो फिर एरिया खुद ब खुद चेंज हो जाएगा इसका मतलब एरिया जो है

टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ इनडिपेंडेंट वेरिएबल तो यहाँ पर हमारे पास देखें पिछली स्लाइड में हमने दो वेरिएबल्स को डिस्कस किया वन ऑफ दम वॉज डिपेंडेंट एंड द अदर इज इनडिपेंडेंट तो जो डिपेंडेंट uh, वेरिएबल है उसको हम कहते हैं फंक्शन ऑफ इनडिपेंडेंट वेरिएबल यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो इनडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होगा फॉर एग्जाम्पल द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस ठीक है अब इसमें क्या है कि वॉल्यूम ऑफ अ अ स्फीयर इज फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस रेडियस यानी वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करेगा radius पे ठीक है यानी रेडियस जितना ज्यादा होगा रेडियस के चेंज होने से वॉल्यूम में चेंज आएगी तो इसका मतलब जो है जो रेडियस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसलिए जो वॉल्यूम है दिस विल बी द फंक्शन ऑफ राइट वॉल्यूम ऑफ द फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस ठीक है या फिर क्या होगा कि अगर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज अ फंक्शन ऑफ इट्स प्रेशर यानी क्या है कि प्रेशर के चेंज होने से वॉल्यूम में चेंज आएगी तो प्रेशर जो है वो इनडिपेंडेंट वेरिएबल है और वॉल्यूम जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसलिए वॉल्यूम जो है दिस विल बी द फंक्शन ऑफ इट्स प्रेशर अच्छा अब मैथमेटिकल फॉर्म में हम फंक्शंस को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं ओके जनरली एक्स एंड वाई आर इम्प्लॉयड टू रिप्रेजेंट वेरिएबल क्वान्टिटीज इन अ फंक्शन ठीक है तो एक्स और वाई को हम लेते हैं आ, आ, कि, कि, किसी भी फंक्शन में वेरिएबल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए दस इन द एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स इफ़ वेन एनी वैल्यू इज अजा टू एक्स देर इज ऑलवेज अ क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई ठीक है तो अब हमारे पास ये दो वेरिएबल्स uh, हैं एक है वाई और एक है एक्स ठीक है तो अगर हम एक्स को कोई भी वैल्यू अजाइन करें इस जगह पे या इस जगह पे ठीक है तो क्या होगा कि वाई की वैल्यू में चेंज आएगी तो इस इक्वेजन में एक्स जो है वो इनडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल uh, है तो हम कहेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x ठीक है तो अब y x एग्जांपल्स आर फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं y is equal to x plus 5 under root, right? y y x x और और log cos x. तो इस तरह से हम uh, x की डिफरेंट वैल्यूज पे y की वैल्यूज को स्टडी कर सकते हैं These equations are the functional relations uh, from which the value of y can be determined and bond, uh, determined corresponding to non-assigned values of x. Okay. Now, general notation. What is it? Functions. Okay. Uh, when the uh, particular uh, form of the functional relation is not specified, it is expressed by enclosing the variables in a bracket and putting a letter of the alphabet before it. Thus. Uh, देखिए f इज अ फंक्शन ऑफ x यानी जब स्पेसिफाई ना हो तो हम क्या करते हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम पेरेंथेसिस में इनक्लूज कर देते हैं पेरेंथेसिस का मतलब है दो छोटी ये स्मॉल ब्रैकेट्स तो अगर कोई भी चीज कोई भी डिजिट कोई भी अल्फाबेट ये इस तरह से पेरेंथेसिस इस तरह से दो छोटी ब्रैकेट में इंक्लूज हो तो ये जो दो छोटी ब्रैकेट्स हैं इनको हम बोलते हैं पेरेंथेसिस राइट right? तो ये एक्स देखिये आप पेरेंथेसिस में इनक्लूज है तो इसमें x जो है दिस इज द फंक्शन ऑफ f इज अ फंक्शन ऑफ x ठीक है स्मॉल f इज अ फंक्शन ऑफ x तो ये x जो है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और f जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसी तरह कैपिटल f इज अ फंक्शन ऑफ x राइट right? और दीज ऑल स्टैंड फॉर फंक्शन ऑफ एक्स ठीक है और ये इसी तरह एज जो है दिस इज ऑल्सो स्टैंड फॉर फंक्शन ऑफ एक्स

दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पॉइंट तो आप देखें आमतौर पे मैथ में तो हम ये कंसिडर करते हैं कि अगर बीच में कोई भी यानी मैथमेटिकल कोई सिंबल यानी माइनस प्लस डिवाइडेड या मल्टीप्लाई की नहीं है तो हम जो है इसको मल्टीप्लाई कंसिडर करते हैं लेकिन इसमें दिस आर नॉट द मल्टीप्लायर्स यू शुड टेक दिस पॉइंट इन माइंड ठीक है इस पॉइंट को आपने जहन में रखना है

तो इसका मतलब है कि फाई को हम एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स में स्टडी कर रहे हैं और एफ को हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में स्टडी कर रहे हैं तो अगर दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स तो फिर इसको हम इस तरह से लिखते हैं F, uh, enclosed, uh, in, uh, और इसको किस तरह से पढ़ेंगे एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जी एनी क्वेश्चन यू आर वेरी वेलकम टू आस्क दैल्यू ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स वेन एक्सलू ऑफ एनोटेड बाई एफ इज अ फंक्शन ऑफ एनि अब क्या किया कि हमारे पास ये एक फंक्शन है एफ एक्स और इसमें एक्स की वैल्यू जो है वो ए है तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें एक्स की जगह ए की ए लगा देंगे और इसको इसी तरह पढ़ेंगे एफ इज अ फंक्शन ऑफ ए एंड इज functional रिलेशनशिप ठीक है ठीक है अब ये हमारे पास है f इज अ function ऑफ x और x का ये इन्होंने दिया हुआ है और x की वैल्यू जो है वो हमारे पास जीरो है राइट तो हम क्या करेंगे f इज अ फंक्शन ऑफ जीरो अब यहाँ पर हर जगह पर हम x की जगह जीरो लगा देंगे और ये हमारा आंसर फाइव आ जाएगा ठीक है इसी तरह एक्स की वैल्यू अगर वन है तो हर जगह पर एफ इज अ फंक्शन ऑफ वन हर जगह पे हम वन लगाएंगे और ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे टू आ जाएगी और इसी तरह से ए, 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 एक्स की वैल्यू अगर ए प्लस एच हो तो हर जगह पे हम ए, एक्स की जगह ए प्लस एच लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे ओके नोटेशन फॉर इंक्रीज इन फंक्शन ठीक है अब देखें अब हम पढ़ेंगे कि अगर देर इज अ स्मॉल चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है हम इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे ले रहे हैं अ, अब अगर फंक्शन के अंदर कोई स्मॉल इंक्रीज होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में तो जाहिर है वो जो डिविएशन है वो जो चेंज है वो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी वाई को भी इफ़ेक्ट करेगी ठीक है अच्छा अब यहाँ पर आप ये बात बिठा ले अपने जहन में कि एक्स और वाई को हमने खुद ही नॉमिनेट किया है कि एक्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये उल्ट भी हो सकता है लेकिन आमतौर पर नॉर्मली बुक्स में इसी तरह यूज होता है और हम इसको इसी तरह यूज करेंगे इफ बी एनी वेरिएबल द सिंबल ऑफ करली ठीक है अब ये ये जो सिंबल है इसको हम करली बोलते हैं करली एक्स और सम टाइम्स इसको डेल्टा भी बोलते हैं ठीक है तो इज यूज टू डिनोट एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्स तो आ, अगर कोई भी चेंज आती है एक्स में तो ये वाला सिंबल करली एक्स ठीक है करली का मतलब है स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स इसको हम यूज़ करते हैं टू डिनोट एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्स वैल्यू एक्स में कोई भी इंक्रीज या सम टाइम इसके लिए हम डेल्टा भी यूज करते हैं सिमिलर रोटेशन इज यूज फॉर एनी अदर वेरिएबल तो इसी तरह की नोटेशन जो है हम आ, दूसरी Uh, जो है वो वेरिएबल uh, में भी यूज करते हैं द डेल्टा। ठीक है अच्छा आप देखें मैंने तो खैर इसको करली बोल दिया कई जगह पे uh, इसको करली एक्स भी बोला जाता है और इसको डेल्टा भी बोला जाता है ठीक है तो दस डेल्टा एक्स मींस एन इंक्रीमेंट इन एक्स ठीक है हम इसको जो है वो डेल्टा ही बोल लेते हैं ठीक है लेकिन इसको करली भी बोला जाता है राइट अब ग्रीक में ये करली को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है अ, मतलब ये करली जो है ये ग्रीक में है और फिर इंग्लिश में आप कह सकते हैं कि इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको प्रोनाउंस किया जाता है एज डेल्टा और ये करली एक्स या डेल्टा एक्स जो है इसका मतलब है स्मॉल इंक्रीज

ओके फाइन इफ़ वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स ठीक है तो अगर जो है वाई जो है दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स और एक्स में स्मॉल इंक्रीमेंट आता है तो यानी एफ में एक्स है प्लस उसमें ये स्मॉल इंक्रीमेंट आया विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई करली एक्स तो इधर से हम क्या करेंगे कि वाई वो हम स्मॉल इंक्रीमेंट लगा देंगे y प्लस कर ली वाई दिस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस कर ली एक्स अब यहाँ से हम कर ली वाई की वैल्यू जो है वो निकालेंगे या डेल्टा वाई की तो वो आ जाएगी एफ एक्स प्लस यानी हमने आ, ये वाई, आ, है माइनस इसमें से कर देना है ठीक है तो कर करली वाई इधर आ गया ये वाला वाई जो है इधर जाके माइनस वाई और वाई जो है इस इक्वेशन में फंक्शन ऑफ एक्स है तो यहाँ पर नीचे करली वाई किसके बराबर हो जाएगा एफ एक्स प्लस ली एक्स माइनस यहाँ पे वाई की वैल्यू लगा देंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन विच इज फंक्शन ऑफ़ एक्स तो इस तरह से स्मॉल इंक्रीज़ इन वाई ड्यू टू द स्मॉल इंक्रीज़ इन एक्स दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू एफ़ फंक्शन ऑफ़ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ़ एक्स नो वी हैव डिफ़रेंशिएशन राइट अब हमारे पास देखें यहाँ पे है तो तो वेव इक्वेशन में हम जगह पे करेंगे तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली है क्या? ऑफ अ प्रोसेस फॉर फाइंडिंग द रेट एट विच वन वेरिएबल क्वान्टिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एन अदर इज कॉल्ड टू डिफरेंशियन यानी वो प्रोसेस जिसमें हम डिफरेंशियल ऑफ़ अ फंक्शन फाइंड करते हैं या फिर ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वो वाला रेट मेजर करते हैं जिस रेट पर एक क्वांटिटी के चेंज होने से दूसरी क्वांटिटी में चेंज आता है तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल वी है y इज अ फंक्शन ऑफ एक्स इसमें हमें पता है कि वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स जो है वो इनडिपेंडेंट वेरिएबल है The object of differential calculation is to find what change in y is produced by a small change in x. तो so, differentiation का मकसद फिर ये है कि ये ये find करना कि y में uh, कि कैसे या कितनी change आई uh, because of the change in x. ठीक है? यानी x में change होने, x के change होने से y में कितनी change आती है इस चीज को, इस rate को calculate करने को हम differentiation कहते हैं.

इनक्रीज स्मॉल चेंज इन वाई डेल्टा वाई दिस इज इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस कर ली एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स तो ये वाली यानी अगर स्मॉल चेंज आएगी एक्स में तो जो वाई की चेंज होगी उसको हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अब तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हमने दोनों साइड पर कर ली एक्स से या डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना है तो ये आ गया जी आपके पास डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स दिस इज इक्वल टू तो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू सॉरी माइनस फंक्शन ऑफ़ एक्स ठीक है अब हमने इसमें ये वाला ये, ये वाला स्टेप है टेक लिमिट्स ऑन बोथ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो अब यहाँ पे हमने एक लिमिट लगा दी है ठीक है यानी हमने दोनों साइड पे लिमिट लेनी है और लिमिट क्या है लिमिट की कंडीशन क्या है वेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ठीक है तो तब जो है आ, क्या कहते हैं ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स में आ, क्या चेंज आएगी ठीक है यानी हमने ये लिमिट जो है अप्लाई कर दी है अब इस डिफ्रेंशियन पे लिमिट क्या है कि हमने डिफ्रेंशियट करना है इस वैल्यू को अंडर द लिमिट वेन वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेज टू जीरो तो उसको फिर हम क्या करेंगे कि इसको फिर इस इस चीज को जब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो अब ये वाले सिंबल डेल्टा सिंबल की बजाय हम डी यूज कर लेंगे डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स और इस चीज पे अब लिमिट अप्लाई करके तो हम कहेंगे अब ये हमारे पास एक्स है सारा ठीक है फंक्शन ऑफ एक्स तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने आ, आ, इसको डेरीवेट कर दिया है इसको आ, अब द एक्सप्रेशन डी वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो so, अब इसको हम किस तरह करेंगे ड्रिफ्टिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी डी वाई और डी एक्स को वर्ड्स में हम कहेंगे दिस इज द ड्रिफ्टिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स एज डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो सो आई हैव ऑलरेडी सेड कि ये जो ड्रेफटिव है डी वाई दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू और हम उस लिमिटिंग वैल्यू के अंडर इस फैक्टर में चेंज को मेजर करते हैं जब वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो जीरो के करीब पहुंचती है दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द मींस फाइंडिंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बाय डेफिनेशन और फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स राइट तो यह फर्स्ट प्रिंसिपल्स को याद कर लें ठीक है ये इसके लिए सेकंड नेम है एब अनीशियो राइट तो इस प्रोसेस को जिसमें हम इस फैक्टर में चेंज को मैयर करते हैं वैन वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोच ज़ीरो तो इसको हम कहते हैं कि ड्रिफ्टिव को फाइंड करना अंडर दी फर्स्ट प्रिंसिपल्स, राइट और इट इज़ देअर फॉर कंक्लूडेड दैट द डिफ्रेंशियल फ्राम फर्स्ट प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग फोर स्टेप्स तो इसके ये चार स्टेप्स होते हैं इनमें पहला स्टेप ये है दूसरा ये तीसरा ये और चौथा ये इसी की यहाँ पे ये नेमिंग की गई है तो इस तरह से हम इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करते हैं ओके सो बेसिक रूल्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन अब आपको इन रूल्स को याद करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली uh, बस इसमें बेसिकली जो है इस इक्वेशन में uh, uh, दो या तीन रूल्स जो है Uh, वो यूज़ होंगे ठीक है और फिर जैसे जैसे उस इक्वेशन में जो रूल्स यूज़ होंगे तो हमने क्या करना है uh, 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 यहाँ से राइट right, उन रूल्स को उठा के डायरेक्टली उन फंक्शंस पे अप्लाई कर देना है तो थोड़ा सा खैर हम देख लेते हैं वैसे तो जैसे देखें अब डी ए डिवाइडेड बाई डी एक्स ठीक है तो इसका मतलब ये है कि uh, uh, ये ज़ीरो के बराबर होता है जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डी एवर डी एक्स को विद रिस्पेक्ट टू ए तो ये जीरो के बराबर होता है ठीक है तो uh, इसका मतलब ये हुआ कि हमने डिफरेंशियेशन करनी है डी ओवर डी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ ए राइट तो डिफरेंश करनी है हमने यानी कोई भी हमारे पास अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका अगर हम डिफरेंशियट करेंगे तो वो जीरो के बराबर आएगा राइट right? और इसी तरह अगर डिपेंड जो सॉरी इनडिपेंडेंट वेरिएबल यानी ब्रैकेट में पेरेंथेसिस में जो जो चीज़ होगी जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड्स पे भी हमने डिस्कस किया वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और हमेशा हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट करेंगे ठीक है अब यहाँ पर ये है कि ये जिसमें जिस वेरिएबल जिस के लिहाज से हमने चेंज देखनी है अब वो है एक्स एन यानी हमने क्या करना है ये एक रूल है डी ओवर डी एक्स एक्स एन ठीक है तो जब अगर इस तरह का हो वेरिएबल जिसकी हमने ये डिफरेंशिएशन करनी हो तो हम इस रूल में क्या करते हैं कि ये जो पावर होती है ना एन उसको हम को ले आते हैं ठीक है और फिर आ, ये वाला एक्स जो है ये यहाँ पे रहेगा और पावर में आ, क्या चला जाएगा एन और माइनस वन तो ये इस पे हम अप्लाई करते हैं अगर डिफ्रेंशियन करें ई एक्स की ठीक है तो वो ई एक्स ही होती है सो दीज आर अप्लाई एक देखें ये वाला रूल है जैसे डिफरेंशिएट करना है हमने यू को अच्छा उसकी डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं अब यू और v की जगह पर स्पेसिफिक यू नो कुछ वैल्यूज हो सकती हैं ठीक है तो अगर इस तरह से हो ये रूल भी यूज होता है ना नाजर वेव इक्वेशन में तो हम क्या करेंगे कि ये पहले हम डी यू ओवर डी एक्स करेंगे प्लस डी वी ओवर डी एक्स यानी इसके साथ पहले एक दफा ये यू की वैल्यू लगा देंगे और फिर वी की और इन दोनों वैल्यूज को

तो वो आ जाता है cos u इंटू डी यू अवर डी ठीक है और इसी तरह अगर हम cos x की डिफरेंशिएशन करें वो माइनस साइन एक्स के बराबर होता है राइट और इसी तरह ये ये वाला तो खैर यूज नहीं होता बेसिकली ये साइन एक्स और ये वाला कॉस एक्स ये वाला यूज होता है श्रोडिंगर वेव अच्छा ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है राइट और एंड दिस इज वेरी इजी इससे रिलेटेड रूल जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं ठीक है और ये जो है इनमें से कम से कम एक जो है ना इनका एक हिस्सा में ये जो आप मिड के आपका क्विज़ होने जा रहा है तो कम से कम एक जो है इसमें से जरूर शामिल होगा तो ये मैं आपको बता रही हूँ ठीक है तो ये देखें y को uh, y इज इक्वल टू एक्स एट राइट एंड y इज इक्वल टू x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स वन पॉइंट फाइव एंड वाई इज इक्वल टू राइट तो इसका मतलब ये है अब y इज इक्वल टू एक्स एट अब जैसा कि मैंने पहले कहा था अब जहाँ पर हम देखें कुछ भी ले सकते हैं तो ये हमने y को डिफरेंशिएट करना है राइट right? y की डिफरेंशिएशन करनी है तो हम लिखेंगे dy वाई डिवाइडेड बाई डी अब y की वैल्यू है x8, ठीक है तो डिफरेंशिएट करना है हम डिफरेंशिएशन का सिंबल है एक्चुअली d और dx और जो जिसको हमने डिफ्रेंशियट करना है वो है वाई और उसकी वैल्यू है एक्स एट तो इसलिए हम जब डिफरेंशियशन करेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू x तो हम कहेंगे dy वाई ओवर डी और यहाँ पर इसकी वैल्यू है x8 तो पिछली स्लाइड में ही हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था कि जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये जो पावर होती है इसको हम एफिशेंट में ले जाते हैं फिर ये x आ जाएगा राइट और फिर हम ये जो पावर है उसमें से वन माइनस करके तो यहाँ पर ये यह इस तरह से आ जाएगा एट एक्स एट रेस टू पावर माइनस वन और ये आ जाएगा एट एक्स सेवन अच्छा जी इसके बाद ये है वाई इज़ इक्वल टू एक्स रेस टू पावर माइनस थ्री इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है माइनस थ्री शुरू में आ जाएगा इन टू एक्स माइनस थ्री माइनस फोर तो ये आ जाएगा माइनस थ्री एक्स माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है लेकिन साइन जो है वो माइनस का ही रहता है तो ये आ जाएगा माइनस थ्री एक्स रेस टू पावर माइनस फोर ठीक है इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं यानी माइनस यहाँ पे तो रहा रहेगा और इस माइनस को अगर आपने खत्म करना है तो डिवाइडेड बाय एक्स फोर आप सिंपली लिख सकते हैं इसी तरह ये सारे जो हैं आप सॉल्व कर सकते हैं विद दिस वी आर डन विद दिस टॉपिक विच वर अबाउट दी सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इफ यू हैव एनी क्यूरीज एनी क्वेश्चन You are very welcome to ask. Okay, students, Allah Hafiz up till next lecture.